एक गांव में मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। मोहिनी के पिता का एक साल पहले ही देहांत हो गया था और साथ ही मोहिनी की माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए वो घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन मोहिनी काम करके वापस आई और तभी उसकी माँ बोली, बेटी तुम्हारी बहन को स्कूल में भर्ती करवाना है, मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम अपनी मालकिन से पैसे मांग सकती हो? लेकिन माँ आपको तो पता ही है कि मेरी मालकिन कितने गुस्से वाली है, अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन बेटी पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो जिंदगी में कभी बड़ा इंसान नहीं बन पाएगी। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं अपनी बहन को जरूर पढ़ाऊंगी, फिर जब उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर अगले दिन सुबह मोहिनी अपनी मालकिन के घर गई और जाकर काम खत्म करने के बाद अपनी मालकिन से बोली, मालकिन मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाना है, क्या आप मुझे इस महीने की तनख्वाह अभी दे सकती हैं? तो पागल हो गई है, अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ और तुझे पूरे पैसे चाहिए? मालकिन मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मैं तुम जैसे को अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं तुझे अभी पूरे पैसे दे दूंगी तो तू मेरे पूरे पैसे लेकर भाग जाएगी। अब चुपचाप से अपना काम कर और ज्यादा पैसे पैसे मत कर। अपनी मालकिन की बात सुनकर वो बहुत निराश हो गई और अपने काम में लग गई। जब शाम को मोहिनी काम करके अपने घर लौटी तो मोहिनी अपनी माँ से बोली, माँ मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कहीं से भी इंतजाम करके दे दूंगी। अगले दिन जब मोहिनी अपने काम पर जाती है तो उसकी मालकिन कहती है, आज थोड़ा अच्छे से खाना बनाना, आज मेरी सहेली आएगी, अगर उनको खाना अच्छा नहीं लगा तो तुझे इस महीने एक भी पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर उसकी मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोहिनी सब लोगों के लिए खाना बनाती है। उस दिन शाम को उसकी मालकिन की सहेलियां घर आई, वो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तभी मोहिनी की मालकिन अपनी सहेलियों को बोली, पता है मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी बनवा कर दी है, तुम लोग रुको मैं अभी लाकर दिखाती हूँ। इतना कहकर मालकिन अपने कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर वो अपनी अलमारी में अंगूठी ढूंढने लगी, लेकिन उसको अंगूठी नहीं मिलती और वो चिल्लाने लगती है, मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ गई? मैंने तो यहीं पर रखी थी, लगता है मेरे हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। मालकिन की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर आ गए, साथ ही साथ मोहिनी भी वहाँ आ गई। तभी उसकी मालकिन की सहेली बोली, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तूने अपनी इस काम वाली को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, मुझे लगता है इसी ने हीरे की अंगूठी चुराई है। हाँ तू ठीक कह रही है, कुछ दिनों से ये मुझसे पैसे मांग रही है, लगता है इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। मालकिन आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कभी आपके कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाया। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा मत बोल, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई इसलिए तू बच गई। कल से मेरे घर पर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, चोरनी कहीं की। मोहिनी अपनी मालकिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मालकिन उसकी एक नहीं सुनती और उसको काम से निकाल देती है। मोहिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोते रोते वो रास्ते में एक पेड़ के किनारे बैठ जाती है और रोते रोते कहती है, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। मोहिनी रो ही रही थी कि तभी उसके सामने एक परी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, किसने तुमसे तुम्हारा काम छीन लिया? लेकिन आप कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ, मुझे पृथ्वी लोक के फल खाने बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज पृथ्वी लोक पर आकर फल खा रही थी। फल खाते खाते मैंने देखा कि तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो, तुम कह रही थी कि तुम्हारा काम चला गया इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तभी मोहिनी परी को सारी बात बता देती है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम अपने परिवार के सुख के लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और परी मोहिनी के साथ मोहिनी के घर पहुँच गई। परी को देखकर मोहिनी की माँ चौंक गई। तब मोहिनी ने अपनी माँ को परी के बारे में सब कुछ बताया। मोहिनी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो,
मैं तुम लोगों की सारी मुश्किलों का हल कर दूंगी। इतना कहकर परी ने वहाँ पर एक जादुई हीरे का घर प्रकट कर दिया। ये देखकर मोहिनी और उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी परी बोली, अब से आप लोग इसी घर में रहिएगा और इस घर से आप जितने भी हीरे मांगोगे ये घर आपको उतने ही हीरे देगा, और अब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लेना। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर मोहिनी और उसकी माँ जादुई हीरे के घर में गई। जैसे ही वे लोग अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस घर में छोटे छोटे हीरो की बारिश हो रही है। ये देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद से वो लोग हीरे बेचकर बहुत अमीर हो गए। मोहिनी ने अपनी बहन को भी बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। ये बात मोहिनी की मालकिन को पता चल गई और वो मोहिनी से चिढ़ने लगी। लगता है ये मेरी अंगूठी बेचकर ही इतनी अमीर हुई है, आज उसके घर जाकर देखती हूँ। जब वो मोहिनी के घर के पास आती है तो वो जादुई हीरे का घर देख लेती है। हीरे के घर को देखकर उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही वो उस घर के पास गई, उस घर से बहुत तेज तेज रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से उसको दिखना बंद हो गया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर वापस चली गई और मोहिनी को भी जादुई हीरे के घर की मदद से कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, राजगढ़ नामक एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहा करती थी। सोनिया के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन सोनिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत ही सच्ची और ईमानदार भी थी। सोनिया के पिता दूसरों के खेतों में काम करते थे, उसी से उनका घर चलता था। फिर एक दिन सोनिया खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ियों की खोज में सोनिया जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर सोनिया को एक रोशनी दिखाई देती है। सोनिया उस रोशनी के पीछे पीछे चलती रहती है। अंत में वो रोशनी सोनिया को एक बड़े से महल के पास ले आती है। सोनिया उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, वाओ, ये तो बहुत अच्छा महल है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा, मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर सोनिया महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही सोनिया देखती है कि वहाँ पर तीन लहंगे रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर ये तीन लहंगे कैसे रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये तीन लहंगे ही हैं। इतने सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? क्यों ना मैं अब और अंदर चलकर देखूं? क्या पता कोई अंदर मिल जाए। इतना सोचकर सोनिया महल के और अंदर जाने लगी। सोनिया महल के और अंदर चली जाती है। तभी उसको महल का राजा मिल जाता है। राजा को देखकर सोनिया डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवा इस महल में और कोई नहीं रहता? और जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ तीन लहंगे रखे हुए हैं। वो तीनों लहंगे किसके हैं? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए ना इसके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास दो रानियां हुआ करती थी। एक दिन मैं जंगल से कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल में एक युवती पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों को ये बात बताई। सुनो मेरी दोनों रानियों, मुझे ये युवती पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों शादी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है महाराज। एक रानी शादी की तैयारी करने में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को राजा की तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो तुरंत ही जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ गई है और महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करे। ठीक है महारानी, मेरे पास इसका उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी ये जल उस लड़की के लहंगे पर डाल देना और जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनेगी वो लड़की भी लहंगे में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, अब मैं चलती हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोना चांदी दे दूंगी। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली आती है। राजमहल में पहुँचते ही रानी उस लड़की के लहंगे पर वो पानी डाल देती है। फिर जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनती है तो वो तुरंत ही लहंगे में बदल जाती है, लेकिन रानी गलती से सारे लहंगों पर वो पानी डाल देती है। और जैसे ही तीनों रानी अपने अपने लहंगे पहनती है वैसे ही तीनों रानियां लहंगे में बदल जाती है। राजा को जैसे ही वो सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये मेरी रानियों के साथ क्या हो रहा है? राजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इसलिए वो जादूगर के पास जाता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसके बाद राजा जादूगर को सारी बात बताता है। महाराज आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी, आपकी दूसरी रानी ने मेरे बहन को लालच देकर उससे जादुई जल ले लिया। इसके बाद जादूगर राजा को पूरी बात बताता है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, जब मेरी बहन को पता चला कि सारी रानियां लहंगे में बदल गई है तो वो डर गई और ये राज्य छोड़कर भाग गई। लेकिन जादूगर जब रानी पानी लेकर गई थी तो सिर्फ नई रानी को लहंगे में बदल जाना चाहिए था, फिर मेरी बाकी रानियां क्यों लहंगे में बदल गई? महाराज आपकी रानी से गलती हो गई थी, जब वो लहंगे पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब लहंगों पर भी पानी गिरा दिया, इसलिए आपकी बाकी रानियां भी लहंगे में बदल गई। लेकिन जादूगर अब मेरी रानियां वापस पहले जैसी कैसे होंगी? महाराज कोई सच्चा अच्छा दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते, वो इंसान आपके पास खुद चल कर आएगा। लेकिन जादूगर वो इंसान मेरी तीनों रानियों को ठीक कैसे करेगा? महाराज आपको मैं एक जादुई पानी देता हूँ, ये पानी उस सच्चे इंसान को दे दीजिएगा, वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उन लहंगों पर डालेगा वो लहंगे फिर से आपकी रानियों में बदल जाएंगे। लेकिन जादूगर वो इंसान कब तक आएगा? महाराज जिस दिन आप पर ग्रहों की कृपा होगी उसी दिन आपका शुभ दिन आ जाएगा और वो इंसान खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। लेकिन मेरे ऊपर ये सारे ग्रहों की कृपा किस दिन होगी? अब वो दिन तो एक साल बाद ही आएगा। बाप रे बाप, एक साल बाद? महाराज आपको इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो बेटी यही मेरी कहानी है। महाराज आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन महाराज वो इंसान कब आएगा? बेटी तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद कर सकती हो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी मदद करनी है, बस आप मुझे वो जादुई पानी दे दीजिए जिससे मैं सभी रानियों को पहले जैसा कर दूं। इसके बाद राजा अपने कमरे में से वो जादुई पानी लेकर आ जाता है और सोनिया को दे देता है। सोनिया उस जादुई पानी को तीनों लहंगों पर डाल देती है। लहंगों पर पानी गिरते ही तीनों रानियां वापस पहले जैसी हो जाती है। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आज सभी रानियां वापस आ गई। महाराज अब मुझे अपने घर जाना है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? बेटी इसके लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद राजा सोनिया को एक मंत्र बताता है। राजा सोनिया को एक सोने चांदी से भरा बक्सा देता है। सोनिया उस सोने से भरे बक्से को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र को पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। राजा के दिए हुए सोने और चांदी की मदद से सोनिया के पिता एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और फिर सोनिया का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।